हेलो एंड वेलकम टू फोर्थ एपिसोड ऑफ नेक पेन रिलीफ सीरीज। आई एम डॉक्टर वरुण वासिल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे थ्री मिस्टेक्स ऑफ नेक पेन की। अब जब नेक पेन की बात आती है तो उसका कॉज जानना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और कॉज तब पता लगेगा जब हमें उसके मिस्टेक का पता लगेगा, और जब मिस्टेक पता लगेगी तभी उसका ट्रीटमेंट हो पाएगा। इसीलिए मैं हर जॉइंट की, हर प्रॉब्लम की मिस्टेक्स के बारे में ज़रूर बात करता हूँ, क्योंकि इसी से आपको अवेयरनेस आती है और ये मिस्टेक्स सुधार के आप 50% तो अपना ट्रीटमेंट खुद ही कर लेते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको थ्री बेस्ट मिस्टेक्स का मतलब है जो बहुत कॉमन मिस्टेक्स होती हैं नेक पेन में, क्योंकि नेक पेन का कोई ना कोई कॉज जो होता है वो हमारे मिस्टेक से ही जुड़ा होता है, तो इसीलिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं अब आपको बताऊंगा इसकी तीन मिस्टेक्स। एक फर्स्ट होगी जो हमें सोने के टाइम होती है कि हमें कैसे सोना चाहिए, सेकंड होगी जो हमारे कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे ज़्यादा काम करते हैं, और थर्ड होगी कि हम जो नॉर्मली कैसे लेजर मूड में हम उसको नेक को पोस्चर को रखते हैं सोने के टाइम या टीवी देखते टाइम, वो होगी। तो इसलिए आप तीनों मिस्टेक्स को ध्यान से देखिए और आप देखिए कि आप कौन सी गलती करते हैं, ताकि आपको भी पता लगे कि हमें ये चीज़ें नहीं करनी और अपनी नेक को कैसे ठीक रखना है। और जब मिस्टेक्स की बात आती है तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो नेक पेन होती है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिलेशन होता है वो होता है हमारे पिल्लो के साथ। अब पिल्लो कैसा होना चाहिए, सोना कैसा, स्लीपिंग कैसे होना चाहिए, क्योंकि जो भी सो के उठता है सुबह सुबह उसकी नेक स्टिफ होती है, तो वो क्यों होती है उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो थ्री मिस्टेक्स देखो, लास्ट तक इसको देखना, और अगर आपने हमारा नी पेन मिस्टेक्स, थ्री मिस्टेक्स ऑफ नी पेन, थ्री मिस्टेक्स ऑफ शोल्डर पेन या टू मिस्टेक्स ऑफ शोल्डर पेन और हमारी बैक पेन, ये तीनों पे मैंने मिस्टेक्स का बनाया हुआ है, इसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, वहाँ पे जाके इनकी मिस्टेक्स भी ज़रूर देख लिए। तो अब चलते हैं हम नेक पेन की मिस्टेक की तरफ। नेक पेन का और पिल्लो का तो बहुत ही पुराना रिलेशन है, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आती कि हमें पिल्लो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या अगर लेना भी है तो कैसा लेना चाहिए और सोना कैसे चाहिए। तो नेक पेन का सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है मिस्टेक वो हमारा स्लीपिंग मिस्टेक्स होता है। तो देखिए, फर्स्ट मिस्टेक जो लोग करते हैं वो क्या करते हैं, वो यहाँ तो बिल्कुल पिल्लो नहीं लेते। सबसे बड़ी मिस्टेक उनकी है जो पिल्लो नहीं लेते। अब मान लीजिए मैंने अब पिल्लो लिया हुआ है, तो मेरा एक लेवल पे नेक जो है वो मेरा स्पाइन का लेवल है वो मेंटेन्ड है। अब मान लीजिए मैंने पिल्लो नहीं लिया, तो एक तो क्या होगा, पिल्लो ना लेने से जब मैं सीधा लेटूंगा तो मेरी गर्दन इस तरह से लटक जाएगी और ये जगह खाली रह जाएगी। अब जब ये जगह खाली रह जाएगी तो सारे जो हमारी रात है, जो हमने 7 to 8 hours स्लीप मतलब सोना होता है, मैं मानता हूँ कि सभी लोग सीधा तो नहीं सोते, पर फिर भी जब भी हमने सीधा आना होता है तो ये जो जगह खाली रह जाती है, तो ये जब साथ नहीं लगती उसकी वजह से हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाता है। क्योंकि अब देखिए, हेड से लेके सारा मेरा अब इस टाइम पे जो T1 या T2 वर्टिब्रा है, अब वहाँ तक जो हमारा लगा होता है जो नेक है, वो T3 कईयों का T3 T4, क्योंकि उनका ये कर्वेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए, कर्वेचर कैसे हमारा लटका हुआ है, उसको रेस्ट तो मिल ही नहीं रहा, जबकि यहाँ पे एक पिल्लो या कुछ भी टॉवल रोल या कुछ भी हमारा जो सर्वाइकल बॉल है वो रख के इसको रेस्ट मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा। अब यही अगर मैं पिल्लो ले लेता हूँ तो ये हमारा इस तरह से ये रेस्ट पे चला जाता है। तो इसलिए पिल्लो लेना तो बहुत ज़रूरी है, हमारी पहली बात हो गई। अब दूसरा, अगर हम साइड पे, मान लीजिए कि कई लोग कहते हैं कि हम तो बिल्कुल साइड पे सोते हैं, और मोस्टली सभी सोते भी साइड में हैं, तो अगर पिल्लो लिया होगा, अब देखिए साइड पे सोने का क्या होता है, हमारा नेक और शोल्डर इसका जो गैप है ये बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू हमारा नेक और अपर बैक, क्योंकि इसका जो कर्वेचर है वो थोड़ा कम है, पर शोल्डर और हमारे जो नेक है हेड है इसका गैप बहुत ज़्यादा है। जब साइड लेना होता है तो हमें एक फर्म बहुत अच्छा पिलो चाहिए। कई बार तो क्या होता है कि हमें, कई लोग पिलो को इस तरह से डबल भी कर लेते हैं अपना मेंटेन करने के लिए पोस्चर, क्योंकि जब भी हमने साइड पे इस तरह से सोना होता है तो हमारा नेक का पोस्चर जो होता है, वो जो हमारी स्पाइन है वो एक स्ट्रेट लेवल पे होनी चाहिए, पर वो स्ट्रेट होती नहीं है, कईयों की नेक ऐसे लटकी होती है, कईयों की ऐसे लटकी होती है अगर वो हैवी पिलो लेते हैं। तो हमने क्या करना होता है, मैं मिस्टेक के साथ साथ उसका सोल्यूशन भी बता रहा हूँ। अब मान लीजिए पिल्लो हमने नहीं लिया, जो लोग पिल्लो नहीं लेते मिस्टेक उनकी क्या है, वो ऐसे सोते हैं। अब देखिए मेरा ये पोस्चर कैसा लग रहा है आपको, ये किस तरह से, इस तरह से देखिए कैसे मेरी नेक लटकी हुई है। अगर इसको मैं आपको पीछे से भी दिखाता हूँ कैसे हमारी स्पाइन ख़राब हो रही है। अब देखिए इसका पोस्चर कितना गलत पोस्चर में ये लग रहा है हमें। अब मान लीजिए पिल्लो ले लेते हैं तो थोड़ा सा बेटर हो जाता है। अब कई लोग क्या करते हैं, उसको भी मेंटेन करने के लिए अपना हाथ ऐसे रख लेते हैं। अब ये जो हाथ है ऐसे रखने से, मैंने शोल्डर पेन की मिस्टेक्स में भी बताया है कि एक तो ऐसे शोल्डर रखने से हमारा जो ये हमारा एक्सटर्नल रोटेशन में शोल्डर रह जाता है काफ़ी देर तक,
वो हमें खराब करेगा क्योंकि हमारा जो कैप्सूल है वो टाइट हो जाता है। ये फ्रोजन शोल्डर का कारण भी बनता है और रोटेटर कफ इंजरी का कारण भी बनता है, तो शोल्डर पेन का रीजन हो गया। दूसरा, ऐसे सोने से हमारा हाथ भी सो जाता है, क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रेशर है ये टाइट पोजिशन है, लॉक्ड पोजिशन है शोल्डर की, हमारी एल्बो की, इससे क्या होगा हमारा जो हाथ है वो भी सोना शुरू होगा क्योंकि नर्व इम्पिंजमेंट शुरू हो जाती है। तो ये तो बहुत ही खराब हो गया। अब हमें क्या करना चाहिए, पिल्लो तो साइड पे लेना चाहिए पर हमें इसका डिस्टेंस ले लेना चाहिए। कि कैसे हमें इसका डिस्टेंस लेना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, साथ ही इसके जब हम स्टैंडिंग में आएंगे तो हमें पता लगेगा कि पिल्लो कैसे लेना चाहिए। तो देखिए, पिल्लो लेने के लिए आपने इस तरह से शोल्डर लगा के हल्का सा ऐसे दीवार के साथ लग जाना है और बिल्कुल सीधा देखना है। अब जब पिल्लो लेना है, जब हमने आप अपना पिल्लो लेके आइए, आप देखिए मान लीजिए मेरे पास ये दो पिल्लो पड़े हैं। अब पिल्लो सेलेक्ट करने के लिए क्या करना होता है, क्योंकि जब हम लेटते हैं तो हमारा ये प्रेशर भी आना होता है, तो हल्का सा हमने इसको शोल्डर को बिल्कुल दीवार के साथ लगा के अब हमने यहाँ पे देखना है कि हमारा जो पिल्लो है ये हमारा जो मेंटेन कर सकता है हमारे इसको गैप को कि नहीं कर सकता, क्योंकि हम लेटे हुए तो हमारा वेट आ जाता है, तो थोड़ा सा तो हमें ये देखना पड़ता है। अब देखिए ये पिल्लो हल्का सा मेरा जो है वो गैप हमारा बना रहता है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा और मोटा पिल्लो लेना है, क्योंकि ये जो गैप है ये देखिए पिल्लो बिल्कुल निकल गया, ईयर के साथ साथ लग रहा है, पर फिर भी थोड़ा सा बेटर है, पर इससे और बेटर हो सकता है। तो इसके लिए हमने एक और पिल्लो, ये थोड़ा और मोटा पिल्लो है। अब इसको देखिए, इस तरह मैंने शोल्डर लगाया हुआ है और सीधा देख रहा हूँ मैं। अब जब हम इसको पास करवाएंगे यहाँ से, अब देखिए मेरे बिल्कुल चीक को टच कर गया और मुझे शोल्डर अपना जो नेक है वो घुमाना पड़ रहा है, तो ये बिल्कुल फिक्स हो गया यहाँ पे। तो इस तरह से हमने सेलेक्ट करना है कि हमें कौन सा पिल्लो लेना चाहिए। तो जब हमारा ये गैप मेंटेन जो पिल्लो करता है खड़े होकर और शोल्डर और हमारे हेड के बीच में जो गैप है उसको जो पिल्लो कवर करता है, तो वो पिल्लो आपको लेना चाहिए, क्योंकि हम जब ग्रेविटी होती है या हमारा जो गर्दन का वेट होता है उससे पिल्लो थोड़ा सा और प्रेस हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा और फर्म पिल्लो लीजिए, क्योंकि मोस्टली जो 80-90% लोग हैं वो साइड लेके सोते हैं। जब भी हमने साइड लेके सोना है तो ये बात का ध्यान रखना है कि हमारा ये जो कर्वेचर है ये बिल्कुल हमारा एक सरफेस पे आए, ताकि हमारा जो गैप है वो मेंटेन हो जाए। अब उसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था ये सर्वाइकल बॉल है, आप लोग बहुत लोगों ने ऑर्डर भी किया है, इसको ऑर्डर करने के लिए नीचे लिखे नंबर पे आप इसको कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, वहाँ पे बुक कर सकते हैं। अब देखिए इस तरह से हमने इसको जो गैप है उसको मेंटेन करने के लिए आप बॉल को यहाँ पे भी रख सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीपुट पे ही हमें इसको रखना होता है, हमारा जो कर्वेचर है उसको बैलेंस करने के लिए। अब जब हम इसको रख लेते हैं साइड पे भी और जब सीधा सोना है, तो भी मैंने आपको कहा था इसका कर्वेचर मेंटेन करना है, तो उसको हम इस तरह से नीचे रख सकते हैं और पिल्लो के लिए ये इस तरह से हमारे नेक पे भी आ जाएगा और हमारे इस जो कर्वेचर है उसको भी बैलेंस कर लेगा। तो जब हमने सीधा सोना है तो इसका ऑलमोस्ट हमने जितने इसको हमने इन्फ्लेट करना होता है उसको थोड़ा सा कम इन्फ्लेट किया करिए, ताकि जो कर्वेचर है वो मेंटेन रहा करे। तो इस तरह से हमने इसके नीचे रख के ये बॉल काफ़ी आपको रिलैक्स भी देगी, क्योंकि इसको जो हेडेक होता है वो भी उसका भी यही कारण होता है कि जो हम खराब पोस्चर में सोते हैं या सुबह सुबह उठते हैं तो नेक भी स्टिफ होती है, तो इस तरह से हम इसको मेंटेन कर सकते हैं। बाकी आपको इसकी एक्सरसाइज चिन टक पिल्लो प्रेस वो मैं सब आपको बता चुका हूँ, उसके लिए भी ये वीडियो आप देख सकते हैं कि कैसे एक्सरसाइज करना चाहिए। तो मिस्टेक नंबर वन यही है कि जो लोग पिल्लो नहीं लेते हैं उनको पिल्लो ज़रूर लेना चाहिए। तो नेक्स्ट आता है हमारा जो पोस्चर है। अब देखिए हमारे पास क्या होता है, लोग लैपटॉप पे काम करते हैं या अपने फ़ोन पे काम करते हैं, डेस्कटॉप पे काम करते हैं, उन पे क्या होता है सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनका जो लेवल है वो बिल्कुल गलत होता है, या तो उनके डेस्क का लेवल अच्छा नहीं होता या जहाँ पे लैपटॉप रखा है वो नहीं अच्छा होता, या उनकी चेयर ऊपर नीचे होती है। तो यही आपने देखिए, अब क्या करते हैं लोग इस तरह से काम करते हैं, ये आप देखिए मेरा ये पोस्चर क्या आपको ठीक लग रहा है इस तरह से काम करने का, ये बिल्कुल गलत पोस्चर है। और ज़्यादा देर तक इसमें बैठे हुए हमारा जो C2 वर्टिब्रा है वो भी हमारा जो बहुत दिक्कत करने लगता है और हेडेक उसकी वजह से शुरू हो जाता है, सारा स्ट्रेस लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, पोकिंग चिन हो जाती है हमारी। ये पोकिंग चिन जो है ना, इस तरह से हम हर चीज़ इस तरह से करके देखते हैं, ये जो इस तरह से की हुई है हमारी जितनी भी एक्टिविटी वो सारा स्ट्रेस हमारी नेक पे भेजती है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो ये बिल्कुल भी ना करें। इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, या तो आप अपना जो लैपटॉप है उसकी स्क्रीन को इस तरह से और आगे करके अपने आई लेवल पर मैच करवाइए, हमेशा हमने आई लेवल पर मैच करना होता है, या तो इसके नीचे आप बुक्स रख सकते हैं, बुक्स रख के इसकी हाइट ऊँची कर लीजिए, क्योंकि जितनी हाइट ऊँची रहेगा उतना हमारा ये आई लेवल पर रहेगा, और जितना आई लेवल पर रहेगा उतना हमें पोकिंग चिन कम करना पड़ेगा, एक तो ये देखना है। और यहाँ अगर आप ये नहीं कर सकते तो अपनी जो चेयर है उसका लेवल नीचे कर लीजिए, ताकि वो ऑटोमेटिकली आपकी आई के सामने आ जाए। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जब माउस चलाना है या कीपैड चलाना है तो वो लोग अपने हाथ जो है वो इस तरह से हवा में रखते हैं, हवा में रखने से क्या होता है या रिस्ट ऐसे रखते हैं,
उससे क्या होता है, हमारे ट्रेपीजियस मसल लगातार यूज में रहते हैं, इनके ओवर यूज की वजह से, ट्रेपीजियस मसल का जब ओवर यूज होता है उसकी वजह से वो स्पाजम होता है और उनको यहाँ पे नेक पेन शुरू हो जाता है और लोग कहते हैं सर्वाइकल होगा, सर्वाइकल होगा, जबकि सर्वाइकल नहीं, वो ट्रेपीजाइटिस होता है, ट्रेपीजियस मसल का स्पाजम होता है वो। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जो आर्म रेस्ट है, अब देखिए आर्म रेस्ट है हमारे पास, अपने जो शोल्डर्स हैं उनको रिलैक्स करने के लिए आर्म रेस्ट का यूज़ कीजिए, एल्बो को वहाँ पे रखिए, इससे क्या हो गया हमारा जो ट्रेपीजियस मसल है वो रिलैक्स हो गया। और क्या करिया करिए, अपने आप अपनी जो चेयर है उसको आप आगे कर लीजिए, और जितना हमारा माउस का या लैपटॉप का काम है तो उस अपने रिस्ट को भी स्टेबल रखिए और अपने जो एल्बो है इसको भी स्टेबल रखिए। इससे क्या होगा, हमारा जितना भी एक्टिविटी है, हमारे शोल्डर भी रिलैक्स है, ट्रेपीजियस भी रिलैक्स है, अब इससे हमारा जो अब मेरा भी इसको हमें थोड़ा सा इस तरह से रखना है और चिन को बिल्कुल रिलैक्स रखना है। आप अपनी चिन का ध्यान रखा करिए, हमेशा ये देखिए कि मेरी चिन ऐसे तो नहीं हो रही, अगर ऐसे हो रही है तो कि ख़राब है, और हमेशा अपनी चिन को इस तरह से अंदर को टकिंग करते रहा करिए। ये आप चीज़ ज़रूर फॉलो करिए, इस तरह से बार बार इसको 5 सेकेंड होल्ड किया फिर रिलैक्स कर दिया, इस तरह 5 सेकंड होल्ड किया फिर रिलैक्स कर दिया। यही चीज़ तब होती है जब लोग ड्राइव कर रहे होते हैं, ड्राइव में भी कंसंट्रेशन काफ़ी होता है, वो भी इस तरह से पोकिंग चिन हो जाता है। तो पोकिंग चिन जो जो आपके घर में रिलेटिव फ्रेंड्स कोई भी इस तरह से पोकिंग चिन करके काम कर रहा है तो उसको हल्का सा यहाँ से टैप करके उसको बताइए कि पोकिंग चिन नहीं करना, उसको कहना है कि इस तरह से चिन टक करके रखे और शोल्डर्स को हल्का सा पीछे करें। ये आप करते, आप देखिए कितनी सिंपल सी चीज़ है, अपने पोस्चर को आप खुद ही करेक्ट कर सकते हैं, अपनी नेक पेन को बचा सकते हैं एक सिंपल सा काम करके, अपनी चिन को अंदर कर लीजिए और शोल्डर को पीछे कर लीजिए, ये एक सिंपल सा काम करना है। इससे क्या होगा, आप एक कंपनसेट कर रहे हैं, अगर आपको प्रॉब्लम आ भी रही है तो उसको कंपनसेट करने के लिए आप कुछ तो कर रहे हैं, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ये थी मिस्टेक नंबर 2, और उसको ठीक कैसे करना है, चिन टक और शोल्डर प्रेस, बस इतना सिंपल सा काम बैठे बैठे ही कर लेना। तो जितने भी ऑफिस में काम कर रहे हैं लोग वो इस चीज़ को ज़रूर अपनाएं, क्योंकि आपका काम तो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, आपकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप में से कितने लोग इस तरह से टीवी देखते हैं, ये हमारी थर्ड मिस्टेक जो मोस्ट कॉमनली हमारे हर घर में होती है, क्योंकि सबके बेडरूम में इस तरह से टीवी लगा होता है और सभी इसी तरह से टीवी देखना पसंद करते हैं। अब देखिए इस तरह से यहाँ क्या करते हैं, कहते हैं हम तो पिल्लो रख लेते हैं, तो मान लीजिए 2 पिल्लो भी रख लिए मैंने, इस तरह से 2 पिल्लो रख के उसके ऊपर इस तरह से बैठ के ये ऐसे टीवी देखते हैं, ये बिल्कुल ही गलत पोस्चर है टीवी देखने का। इससे क्या होता है, आपकी एक तो जो नेक है वो हमारा जो इस तरह से बहुत ज़्यादा सुपर हाइपर फ्लेक्शन में चली जाती है। अब फ्लेक्शन में जाने से क्या होता है, जितने स्ट्रक्चर हैं वो पीछे से काफ़ी लूज होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमने अब जब वो स्ट्रक्चर, मान लीजिए वो स्ट्रक्चर पीछे वाले जितने भी लूज़ हो रहे हैं वो क्या करेंगे, हमारी नेक को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तो ये क्या होगा, एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। जो हमारे एक्सटेंशन और फ्लेक्शन का एक बैलेंस होता है, मसल्स का बैलेंस होता है, वो जब इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा उस इम्बैलेंस की वजह से इंस्टेबिलिटी आएगी, वो इंस्टेबिलिटी की वजह से हमारा रेगुलर नेक पेन और हेडेक होता रहेगा, और इससे नर्व कंप्रेशन होने के भी चांस होते हैं, डिस्क प्रोलैप्स के भी चांस होते हैं। तो कभी भी इस तरह से 2 पिल्लो रख के इस तरह से टीवी मत देखिए, या कईयों को आदत होती है कि 2 पिल्लो के ऊपर सोना होता है, वो भी गलत होता है, और बहुत सारे लोगों को तो मैंने देखा है बिना पिल्लो के इस तरह से टिक के ऐसे ये पोस्चर में नेक पे हमारा लैपटॉप पे भी काम करते रहते हैं और टीवी देखने के लिए भी ये पोस्चर यूज़ करते हैं। ये बिल्कुल गलत पोस्चर है, इसको बिल्कुल मत अपनाएं, ये सबसे बड़ी मिस्टेक जो थर्ड नंबर की मिस्टेक है, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि इसको अवॉइड किया जा सकता है। बाकी में तो आप काम कर रहे हैं, सो रहे हैं, उनको तो ध्यान रखना ही रखना है, इसको अवॉइड भी किया जा सकता है। हमेशा टीवी देखें तो चेयर पर बैठ के और आराम से उसको एक प्रॉपर आई लेवल पर रख के देखें, इस तरह से बिल्कुल ना देखें, तो ये थर्ड मिस्टेक हमने बिल्कुल भी नहीं करनी। आई होप अब आपको पता लग गया होगा कि कौन कौन सी मिस्टेक्स आप करते हैं और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, और अगर आपके फ्रेंड फैमिली रिलेटिव में भी कोई मिस्टेक करता है तो उसको ये वीडियो ज़रूर भेजिए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को, क्योंकि आप जब शेयर करेंगे तभी लोगों में अवेयरनेस आएगी, उनको पता लगेगा कि क्या मिस्टेक होती है और उसको कैसे बचाया जा सकता है। और अगर आप कोई और नई मिस्टेक अपनी प्रॉब्लम के रिलेटेड या अपने किसी ज्वाइंट के रिलेटेड पूछना चाहते हैं कि और कौन कौन सी मिस्टेक होती है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, तो हम मैं उस पर कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की। और जो आप में से ये 3 मिस्टेक आपने देखी, आप में इसमें से कौन सी मिस्टेक करते हो ज़्यादा, वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि आपको पता लगे कि हम और कौन कौन सी मिस्टेक से बच सकते हैं। तो इसलिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए कि आपने इसमें से कौन सी मिस्टेक की है और आप कौन सी मिस्टेक के ऊपर और वीडियो देखना चाहते हैं।
और इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक और शेयर कर दीजिए, और मुझसे वन टू वन कंसल्ट करने के लिए नीचे लिखे नंबर पे जाके आप उसको अपॉइंटमेंट को बुक कर सकते हैं। उसकी छोटी सी फीस होती है, उसको पे करके आप मुझसे वन टू वन कंसल्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसका एक भी वीडियो मिस करने वाला बिल्कुल नहीं है। आप हमें फेसबुक पे भी लाइक हमारा पेज कर लीजिए, क्योंकि उस पे भी हमारे अपडेट होते हैं। और sukoon.physical.therapy हमारा इंस्टाग्राम पे भी है, उसको जाके फॉलो कर लीजिए, उस पे मेरे हर नए वीडियो का अपडेट आता रहता है, तो जो शूट हो चुके हैं उनका भी आता रहता है, तो उसको भी जाके फॉलो कर लीजिए। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।